हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका टाइटल है अपना और पराया। मनोहर वन में एक बार बहुत जोरों का तूफान आया। वैसा पहले न किसी ने देखा था और न ही सुना था। मूसलाधार पानी बरस रहा था, रह रहकर बिजली कड़क रही थी। हवा इतनी तेज थी कि सभी को उड़ाए लिए जा रही थी। वृक्षों के कोटरों में रहने वाले नन्हे पक्षियों के दिल कांप उठे। उस भयंकर तूफान में वृक्ष भी न खड़े रह पाए और एक एक करके वे गिरने लगे। जैसे जैसे तूफान खत्म हुआ, पक्षी डरते डरते अपने अपने घोंसलों से निकले। पूरे वन में 10 पक्षी ही जीवित थे, शेष सभी उस तूफान की भेंट चढ़ चुके थे। अपने अपने संबंधियों के शोक में वे सभी रोने लगे। 2 दिन तक उन्होंने खाने की ओर मुंह तक नहीं उठाया। पूरे के पूरे वन में बस एक बरगद दादा ही बचे थे और सारे वृक्ष तूफान में गिर चुके थे। बरगद दादा से पक्षियों का दुख देखा न गया। उन्होंने प्यार से सभी को अपने पास इकट्ठा किया और बोले, बच्चों, जैसी भी स्थिति है उसका धैर्य से सामना करो। सोचो, भगवान की इस लीला के आगे अब क्या भी किया जा सकता है। सुख और दुख यह तो जीवन में निश्चित रूप से आते ही हैं। उठो, साहस से स्थिति का सामना करो। दुख को भी भगवान के प्रसाद के रूप में ले लो और नए सिरे से निर्माण में जुट जाओ। दूसरा जीवन तुम्हारा अद्भुत और जगमगाएगा। रजत कबूतर को वट दादा की ये बातें तनिक भी अच्छी ना लगी। वह बोला, दादाजी, मेरे बहू बेटे बच्चे सभी तो तूफान में चले गए। अब आप भी बताइए कि मैं भला जीऊं तो किसके लिए। मैं तो आपकी डाली में फंस जाऊंगा। यह कहकर वह सचमुच बरगद के पेड़ की डाल पर लटकने लगा। वट दादा का तो दिल ही कांप गया। उसे अपनी गोद में छिपाते हुए वे बोले, ना बेटा, ऐसा बुरा काम ना करो। फिर और पक्षियों को समझाते हुए बोले, देखो, संसार में कोई अपना है और ना ही कोई पराया। जिसे हम अपना मानकर चलते हैं, जिसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं वही हमारा बन जाता है। जिसके साथ हम बुरा व्यवहार करते हैं वही पराया बन जाता है। हमारा परिवार ही हमारा घर नहीं है, केवल पूरा संसार हमारा घर है। तुम सभी आपस में मिलजुल कर परिवार की भांति रहो। तुम सभी के अकेलेपन का, संबंधियों के चले जाने का दुख धीरे धीरे दूर हो जाएगा। सभी पक्षियों को वट दादा की यह बात अच्छी लगने लगी। आखिर कोई भी तो ऐसा नहीं था जिसके घर में कोई चला न गया हो। अतः सभी पक्षी उसी दिन से मिलजुल कर वट के उस विशाल वृक्ष पर रहने लगे। सभी आपस में प्यार भरा व्यवहार करते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे, मिलजुल कर काम करते थे। कल्लू कौआ वहां खाने पीने की चीजें देखता तो कांव कांव करके सभी को जुटा लेता। श्यामा कोयल सभी के लिए मीठे मीठे आम तोड़ लाती। हरियल तोता दूर दूर जाकर अनार और अमरूद ले आता। रजत कबूतर अनाज के दाने इकट्ठा करके ला देता। बस एक श्वेताप सारस ही ऐसा था जो कुछ भी काम न कर पाता। वह वास्तव में बहुत बूढ़ा था। उसे कम दिखता था। काम करने में उसकी गर्दन कांपती थी। शुरू शुरू की बात है, वह और पक्षियों से कुछ भी न लेता था। कहता था कि औरों पर भार नहीं बनेगा, जो कुछ भी जैसे भी जुटा पाता खा लेता। पर एक दिन रजत कबूतर से यह देखा न गया। वह बोला, दादाजी, क्या बच्चों का यह फर्ज नहीं है कि वे बूढ़े माँ बाप की सेवा करें? क्या आपके बच्चे होते तो आप इस प्रकार कष्ट पाते? उसकी बात बीच में ही काट कर श्वेता बोला, आखिर जरूरत किस बात की है? जरूरी तो नहीं कि वे मेरी सेवा करते ही रहते। तैश में भरकर रजत फिर कहने लगा, ओहो, धिक्कार है उन नालायक बच्चों को जिनके लिए माता पिता जीवन भर त्याग करते हैं और बड़े होने पर उनकी परवाह तक नहीं करते वे। ऐसे बच्चों से तो बच्चे ना हो तो ही अच्छा है। 2 पल रुककर रजत फिर कहने लगा, पर दादाजी, हम आपके नालायक बच्चे नहीं है। यदि आप हमें पराया नहीं समझते, आप हमें जरा भी स्नेह करते हैं तो आप हमारी सेवाएं ले लीजिए। श्वेताप की आंखों में खुशी के आंसू भर आए।
वह सोचने लगा कि मेरे अपने भी बच्चे होते तो क्या वे इतना ध्यान रख पाते। तभी वहाँ फुदक कर श्यामा कोयल, चतुरी मैना, कल्लू कौआ, महादेव नीलकंठ आदि सभी पक्षी आ गए। महादेव कहने लगा, दादाजी अब आपको खाना खोजने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, यह सभी आपको थोड़ा थोड़ा खाना ला कर देंगे, बस आपका पेट भर जाएगा। खुशी से श्वेताप का कंठ गदगद हो गया और वह एक शब्द भी उनके आगे न बोल पाया। एक दिन जब सभी साथ साथ खाना खा रहे थे तो श्यामा कोयल बोली, हमें ऐसा लगता है कि आजकल वट दादा बड़े उदास रहते हैं। हमको भी कई दिनों से ऐसा अनुभव हो रहा है, लगता है वे अपनी गंभीरता में कोई दुख छुपाए हैं। सभी पक्षी एक ही स्वर में बोले, चलो चलकर उनसे पूछते हैं। हरियल तोता बोला। खाना खाने के बाद सभी वट दादा को घेर कर बैठ गए और उनकी उदासी का कारण पूछने लगे। बड़ी देर तक वे नाना करते रहे। बहुत आग्रह करने पर बोले, बच्चों मैं कभी कभी यही सोचता हूँ कि एक दिन यह जगह कैसी चहल पहल से भरी हुई थी, अब तो यहाँ पर चारों ओर धूल ही धूल उड़ती दिखाई देती है। और दादाजी हम सब तो सुबह ही काम पर निकल जाते हैं, साए साए करती सूनी दोपहर में आपको बहुत ही अकेलापन लगता होगा ना। श्यामा कोयल बड़े भोलेपन से अपनी आंखें वट दादा पर टिकाकर बोली, सो तो होगा ही। वट दादा एकदम बोल पड़े। सभी पक्षियों ने उनका समर्थन भी किया। श्वेताप सारस कहने लगा, दादाजी आप हमारे प्राण रक्षक हैं, जीवन दाता हैं। यदि हम आपका दुख न दूर कर पाए तो धिक्कार है हमें। हम जल्दी ही आपके चारों ओर एक नई बस्ती बसा देंगे, आशीर्वाद दीजिए कि इस प्रयास में सफल हों। इसके बाद श्वेताप ने सभी पक्षियों को कुछ समझाया। बस फिर क्या था, दूसरे दिन से अभियान शुरू हो गया। रजत कबूतर, कल्लू कौआ, श्यामा कोयल, हरियल तोता आदि जो भी वापस लौटता उसकी चोंच में जरूर कुछ न कुछ विशेष चीज लगी होती। कभी वे कोई पका हुआ बेर ले आते तो कभी आम, कभी अनार ले आते तो कभी उनकी चोंच में पीपल की कोई टहनी ही लगी होती। वट दादा के आसपास की जमीन को पंजों से वे थोड़ा थोड़ा खोदते, फिर कभी उसमें बीज डाल देते तो कभी कोई टहनी ही गड़ा देते। 15-20 दिन बाद वर्षा ऋतु भी आ गई और कुछ ही दिनों में बरगद के चारों ओर हरियाली उगाई। नन्नी नन्नी दूब घास का गलीचा बिछ गया। कहीं नीम, कहीं पीपल, कहीं बेरिया तो कहीं जामुन, कहीं अनार के पौधे उगाए। तरह तरह के फूलों के पौधे भी उगने लगे। कुछ ही वर्षों में वे सभी खूब बड़े बड़े हो गए। अब तो वहां दूसरे पक्षी भी आकर अपना बसेरा बसाने लगे। कुछ ही समय में पेड़ों पर पक्षियों की अच्छी खासी बस्ती ही बस गई। श्वेताप सारस और वट दादा ने रजत कबूतर, श्यामा कोयल, महादेव नीलकंठ, हरियल तोता, कल्लू कौआ आदि सभी का विवाह भी करा दिया। उनके नन्हे नन्हे बच्चे अब वट दादा की कोटर में रहते थे। सारस दादा पास ही तलैया पर बैठे बैठे सभी की रखवाली किया करते थे। एक दिन रजत कबूतर हंस कर वट दादा से बोला, क्यों दादाजी अब तो दोपहर में आपको सूनापन नहीं लगता होगा ना, बतियाने को अब तो आपके चारों ओर ढेर सारे पेड़ पौधे हैं। वट दादा भी मुस्कुराकर बोल पड़े, और भाई तुम्हारा भी खूब मन लग गया ना, अब तो मेरी डाल में गर्दन फंसाने की कोशिश नहीं करोगे ना। दादा और रजत की चुहलबाजी से सभी पक्षी मुस्कुरा उठे। उन्हें सहसा ही तूफान वाला दिन याद आ गया। वे मन ही मन सोच रहे थे कि जब हम एक दूसरे को पराया समझ लेते हैं तो दुखी दुख पाते हैं। सबको अपना आत्मीय बनाकर चलने में ही जीवन का सच्चा सुख है। धैर्य और विवेक से मिलजुल कर काम करने में बुरी से बुरी स्थिति भी दूर हो जाती है। तो बच्चों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सभी के संग आत्मीय भरा व्यवहार करना चाहिए और किसी को भी पराया नहीं समझना चाहिए। ओके बाय।